बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ राइज एंड शाइन स्कूल। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड एंजॉयिंग द ई लर्निंग। आई होप यू आर लर्निंग वेल विद द हेल्प ऑफ आवर वीडियो लेसन्स। आई एम योर इंग्लिश टीचर जवेरिया कमल, एंड टुडे इज योर लेसन 5, डे 1 ऑफ वीक 3। लास्ट जो हमारे 2 वीडियो लेसन थे, यानी कि वीक 2 के जो हमारे पास 2 वीडियो लेसन थे, उसमें हमने यूनिट शाह अब्दुल लतीफ कंटिन्यू किया था और वो खत्म नहीं हुआ था। आज भी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। टुडे वी आर गोइंग टू रीड आवर यूनिट शाह अब्दुल लतीफ। ये हम लास्ट 2 वीडियो लेसन में भी पढ़ चुके हैं यूनिट, लेकिन अभी भी ये बाकी था। आज हम इंशाल्लाह पेज नंबर 10 और 11 में मौजूद इसका जो कॉन्टेंट है हम उसे रीड करेंगे। एंड मैं आपके लिए इस यूनिट को थोड़ा सा समराइज कर दूं जो हमने लास्ट वीक में पढ़ा था, ताकि आपके माइंड में रिफ्रेश हो जाए कि क्या क्या चीज़ हम इसके बारे में पढ़ चुके थे। ये यूनिट एक्चुअली शाह अब्दुल लतीफ़ के बारे में है। शुरू में हमें थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन मिलता है कि हमें हमारे रिलीजन के बारे में बताया गया कि इस्लाम जो है वो अमन का मज़हब है, और अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा था, और आपने अपने तौर तरीक़ों से लोगों के दिल जीते, और आपके इन तौर तरीकों को बहुत से लोगों ने जो है वो बाद में फॉलो किया, और ये उन्हीं लोगों की वजह से था कि इस्लाम जो था वो दूर दराज तक फैला। इसके बाद बताया गया कि इन ऐसे शाह अब्दुल लतीफ़ की तरह और भी बहुत से बुजुर्गों के मज़ारात हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों मुख्तलिफ कस्बों में। शाह अब्दुल लतीफ़ के बारे में हमें इस यूनिट में पता चला कि शाह अब्दुल लतीफ़ जो थे वो 1102 हिजरी में हाला हवेली में पैदा हुए। जिस वक्त वो पैदा हुए उस वक्त सिंध पर, या मतलब उस वक्त मुग़ल शहनशाह औरंगज़ेब की हुकूमत थी, और उनके आबाव अजदाद जो थे शाह अब्दुल लतीफ़ के, वो हमेशा से सिंध में नहीं रहते थे, बल्कि वो हेरात जो कि अफगानिस्तान का एक शहर है वहाँ से हिजरत करके यहाँ सिंध आए थे। और सिंध उस वक्त मुस्लिम सकाफत का मरकज था, उन्हें सिंध बहुत पसंद आया, इसलिए वहाँ पे इन्होंने सिंध में क़याम का फैसला किया। और इसके अलावा ये बताया गया कि शायद उनके बारे में कोई ना जानता अगर कई सदियों के बाद उनके डिसेंडेंट्स में से, यानी कि उनके नस्ल में शाह अब्दुल लतीफ ना पैदा हुए होते सैयद हबीब शाह के घर में। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि जो शाह अब्दुल लतीफ थे वो एक नहायत सेंसिटिव माइंड के मालिक थे, और उन्हें इल्म हासिल करने का बहुत शौक था, और वो बड़े होकर अरबी और फारसी के आलिम बने थे। फिर उन्होंने शादी भी की थी और अपनी वाइफ के साथ उन्होंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, लेकिन जब उनके फादर की डेथ हो गई तो उनका रुझान जो था वो मज़हब की तरफ बढ़ गया, और उन्हें जो एक नॉर्मल घरेलू ज़िंदगी थी वो गुजारने में वो रेस्टलेस फील करने लगे। फिर उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और वो एक टीले पर जाकर रहने लगे, और चूंकि सिंधी में टीले को, रेत के टीले को भिट कहा जाता है, इसकी वजह से जो है वो शाह लतीफ़ के नाम के साथ भिटाई पड़ गया, यानी कि वो शाह लतीफ़ शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के नाम से मशहूर हुए। उसके बाद हमने एक चीज़ जो हम उनके बारे में पढ़ी थी, वो ना सिर्फ एक बुजुर्ग और शायर थे बल्कि वो एक अदद म्यूजिशियन भी थे, और उन्होंने जो है अपने वक्त का जो म्यूज़िक था उसको सिंपल किया था, उसको सादा किया था, उसमें इम्प्रूवमेंट्स लाई थी। प्लस ये कि उन्होंने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो था वो ईजाद किया जिसका नाम तबूरो था, और आज भी सिंध भर में जो है ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लोग जो है वो बजाते हैं और उस पर लतीफ़ के नगमे गाते हैं। ओके, अब हम अपनी ये जो है रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिखा हुआ लाल लतीफ डाइड इन 1165 हिजरा ऑन द माउंड वेयर ही हैड लिव्ड एंड वाज बरीड देयर। ठीक है, लाल लतीफ जो है उनका इंतकाल 1165 हिजरी में हुआ ऑन द माउंड, उस टीले पर वेयर ही हैड लिव्ड, जहाँ पर वो रहते थे, एंड वाज बरीड देयर, और उन्हें वहीं दफन किया गया। अ फेमस किंग ऑफ सिंध गुलाम शाह कलहोरो वाज सो डिवोटेड टू हिम। फेमस का मतलब मशहूर, वो कह रहे सिंध के एक मशहूर बादशाह गुलाम शाह कलहोरो जो था वो उनसे इतनी अकीदत रखता था, दैट ही बिल्ट अ श्राइन ओवर हिज ग्रेव। बिल्ट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ बिल्ड, तामीर करने को कहते हैं, श्राइन हम मजार को कहते हैं, ग्रेव हम कब्र को कहते हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसने वो एक सिंध का एक मशहूर बादशाह गुलाम शाह कलहोरो उनका इतना अकीदतमंद था या उनसे इतनी अकीदत रखता था कि उन्होंने उसकी उसने उनकी कबर पर जो है वो एक मकबरा या मजार तामीर कराया। लतीफ डिवोटीज कलेक्टेड हिज पोइट्री एंड दिस कलेक्शन केम टू बी कॉल्ड द रिसालो ऑफ शाह अब्दुल लतीफ।
लतीफ़ के जो अकीदतमंद थे उन्होंने उनकी शायरी को जमा किया एंड और ये मजमुआ, कलेक्शन का मतलब होता है मजमुआ, रसालो ऑफ शाह लतीफ़ यानी कि शाह लतीफ़ का रसाला कहलाया। ही वॉज अ पोइट ऑफ द पीपल, वो आम लोगों के शायर थे, ठीक है, या सो ही रोट पोइट्री इन द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन मैन, इसलिए उनकी जो शायरी है वो शायरी आम आदमी की जुबान में लिखा करते थे। आम आदमी की जुबान से क्या मुराद है बेटे, जैसे हम आम लोग हैं, ठीक है, तो हम जो जुबान बोलते हैं वो उन्होंने अपनी शायरी में उस किस्म की जुबान इस्तेमाल की जो उस वक्त के लोग बोला करते होंगे। तो अब जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम आम जुबान इस्तेमाल करने से मुराद ये है, आप अलामा इकबाल की शायरी, ये हो सकता है कभी आपको पढ़ने का इत्तेफाक हुआ हो, तो बेटा आप देखोगे कि वो जो मुश्किल जुबान इस्तेमाल करते हैं, हर शायर उस तरह की जुबान इस्तेमाल नहीं करता, उनकी शायरी में कोई ना कोई जो है वो मैसेज छुपा हुआ होता है, वो बहुत हम आम लोग जो हैं जब उन्हें पढ़ें तो हमारी समझ में बाज़ औक़ात चीज़ें नहीं आती हैं क्योंकि इतनी गहराई होती है उनकी बात में, उनको हम आम लोगों का शायर नहीं कह सकते, ठीक है। तो यहाँ पे जो इन लोगों को कहा जा रहा है कि शाबिर लतीफ़ जो थे वो आम लोगों के शायर थे, इसका मतलब है उनकी शायरी बहुत सादा थी, ठीक है। दिस कलेक्शन ऑफ हिज पोएम्स इज सो वैल्यूड दैट इट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इन टू मैनी लैंग्वेजेस, उनकी नज्मों का या उनकी शायरी का ये मजमूआ इतनी अहमियत का हामिल है कि उसको ट्रांसलेट किया गया है या उसका तर्जमा किया गया है कई दूसरी जबानों में। वन ग्रेट क्वालिटी ऑफ लतीफ़'स पोइट्री, लतीफ़ की शायरी की एक अहम खासियत बिसाइड्स इट्स सिंप्लिसिटी, इसकी सादगी के अलावा, सिंप्लिसिटी हम सादगी को कहते हैं, ठीक है, इज इट्स मूविंग म्यूजिक, इसकी मुतासिर कौन धुन है, ठीक है। When you listen to it, जब आप इसे सुनते हो, even if you do not understand a word of it, आपको इसका चाहे एक लफ्ज भी समझ ना आए, you will be moved by its melody, आप उसकी धुन से जो है या इसकी धुन से मुतासिर हो जाओगे या इसकी धुन पे झूम उठोगे। लतीफ सोर्सेज हेल्ड एट हिज श्राइन एवरी ईयर ऑन 14th सफर, द सेकेंड मंथ ऑफ द मुस्लिम कैलेंडर। लतीफ का जो उर्स है वो उनके मजार पर हर साल 14 सफर जो कि मुस्लिम कैलेंडर का दूसरा महीना है को मुनक्कद होता है। याद है ना आपको कि मुस्लिम कैलेंडर कब शुरू हुआ था, जब हजूर सल्लम ने हिजरत की थी तो उसके बाद मुस्लिम्स ने जो था वो अपना कैलेंडर शुरू किया था। मेनी थाउजेंड्स ऑफ पीपल गैदर, कई हजार लोग जमा होते हैं, लिसन टू द सेंट्स सॉन्ग, बुजुर्ग के नगमे का सुनते हैं, संग ऑन द तंबूरो जिसे तंबूरों पर बजाया जाता है, एंड ऑफर देयर प्रेयर्स और अपनी इबादत अदा करते हैं। मेनी लर्न मैन रीड पेपर्स, अदीब जो है मकाले पढ़ते हैं, दैट टेल अबाउट लतीफ़ लाइफ एंड हिज पोइट्री यानी कि जो लतीफ़ की ज़िंदगी और उनकी शायरी के बारे में बताते हैं। रिसेंटली, रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में, प्रेजेंटली, ठीक है, अ लाइब्रेरी, एक कुतुबखाना, अ रेस्ट हाउस, एक आरामगाह एंड अ म्यूजियम हैव बीन बिल्ट। बिल्ट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ बिल्ड, तामीर करने को कहते हैं, ठीक है, और एक म्यूजियम बनाया गया है। द श्राइन इट सेल्फ हैज बीन रीबिल्ट, श्राइन यानी कि मज़ार को फिर से तामीर किया गया है, कि दोबारा से तामीर किया गया है, एंड कनेक्टेड विद द मेन रोड, और उसे बड़ी शाहराह से या मेन रोड से मिलाया गया है। इट्स लवली वाइट डोम, डोम हम गुम्बद तो कहते हैं, इसका प्यारा खूब सफेद गुम्बद, रिप्रेजेंटिंग, रिप्रेजेंटिंग का मतलब है अकासी करना, द प्योरिटी, प्योरिटी हम कहते हैं खालिस्पन को, डिग्निटी हम कहते हैं अजमत को, तो कह रहे हैं कि वो रिप्रेजेंट करता है या अकासी करता है लतीफ की पाकिजगी और उनके खालिस्पन की। कैन बी सीन फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स, उसे कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है। लतीफ मैसेज इज द मैसेज ऑफ लव, लतीफ का पैगाम मोहब्बत का पैगाम है। ही बिलीव्ड इन द ब्रदरहुड, वो यकीन रखते थे किस पे, भाईचारे पे, एंड इक्वालिटी ऑफ मैन, इक्वालिटी वर्ड भी आप पहले पढ़ चुके हो, बराबरी को कहते हैं, मसावात को कहते हैं, तो कह रहे वो इंसानों की मसावात पर यकीन रखते थे, एंड इन प्लीजिंग गॉड, प्लीजिंग इज द प्लीजिंग वर्ड जो है उसका मेन एक्चुअली वर्ड क्या है, प्लेजर, लुत्फ को कहते हैं, खुशी को कहते हैं, तो प्लीजिंग गॉड, खुदा को खुश करने में बाय गुड डीड्स, अच्छे कामों से। गॉड के देख रहे हैं आप, जी कैपिटल है, जब अल्लाह के लिए गॉड वर्ड हम लिखते हैं तो तब हम उसका जी कैपिटल लिखते हैं, ठीक है। और आप ये भी देख सकते हो कि प्लीजिंग वर्ड यहाँ पे पूरा नहीं आ रहा था, तो उसको उन्होंने नेक्स्ट लाइन में उसके कुछ स्पेलिंग्स जो है वो गए हुए हैं, तो यहाँ पे देखिए एक छोटा सा डैश नजर आ रहा है। आपका भी जब कोई वर्ड अगर किसी लाइन में पूरा नहीं आ रहा होता तो उसे जबरदस्ती पूरा करने की कोशिश मत किया करें, जस्ट एक छोटा सा डैश लगा के आप उसका बाकी स्पेलिंग को निचली लाइन से कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। डीड्स हम काम को कहते हैं, तो कह रहे हैं यानी कि खुदा को अच्छे कामों से खुश
करने पे वो यकीन रखते थे. दिस अकॉर्डिंग टू हिम इज द गोल ऑफ लाइफ, उनके नजदीक यही जिंदगी का मकसद है. यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश हुआ. ओके, नाउ व्हाट इज योर असाइनमेंट? यू हैव टू रीड दिस यूनिट अगेन एंड यू हैव टू कम्प्लीट योर एक्सरसाइज इन द नोटबुक्स. मैं इंशाल्लाह आपके साथ आज भी एक डॉक्यूमेंट शेयर करूंगी जहाँ से आप क्वेश्चन आंसर्स को देख के अपनी नोटबुक्स पर कॉपी करेंगे. एंड आई होप कि आप अपनी कॉपीज को लेक्चर्स के साथ साथ मेंटेन कर रहे हैं और अपना होमवर्क सबमिट भी करा रहे हैं. ओके, स्टे होम, स्टे सेफ. इंशाल्लाह सी यू सून इन द नेक्स्ट लेसन. टिल देन अल्लाह हाफिज़.